वालेकुम सत श्री अकाल आदाब नमस्ते मैं हूँ अलीजा मैं हूँ इस बार सो गाइस आई होप आप सारे जहाँ होंगे ठीक ठाक होंगे हमेशा खुश रहें। सो यार आज की जो रिएक्शन वीडियो है ना मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट शहनाज गिल की जो है वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं और शहनाज गिल इतनी क्यूट है यार इतनी इनोसेंट है इतनी चुलबुली सी है वो मैं क्या ही कहूँ उनके बारे में। सो उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हर दफा एक अपना नया रूप लेके आती है नया इनोसेंट सा कुछ लेकर आती है मासूम सी लगती है। सो आई थिंक ये एक्चुअली है भी थोड़ी सो आई थिंक हमें वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आज की हमारी रिएक्शन वीडियो में क्या होने वाला है। एग्जैक्टली कहते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने रैप भी किया है सुनाइए ना कुछ अगर सुना सकते हैं सुनाएंगे अभी पैसे लगते हैं मेरी बात सुनो गाइस ये ना कंटिन्यू करना जितनी देर मैं हूँ ना यहाँ पे आप दिखोगे नहीं मुँह पे बोलती है वो मम्मी देख रहे होगे विनर होगा ना वो क्योंकि इस सीजन में वैसे भी हिस्ट्री क्रिएट की है तो वो विनर अलग ही लेवल हो गया। हिस्ट्री जो तूने क्रिएट की ना घर जाके एक बार फुटे चक्कर तू रोया ना बैठ बैठ के छोड़ दिया था ना शर्मा नहीं बन पाएगी कभी भी शहनाज गिल भी सही हूँ तुम्हारे जैसे को गेम मैं सिखा दूंगा तेरे को क्या कोई सिखाएगा What's up, Sana? How you doing? How you doing, Sana? Big Boss, अगर आप में दम है ना, तो मेरे सामने आके दिखाओ. Big Boss. Big Boss सामने क्यों नहीं आते? क्या गलत किया है कुछ इन्होंने? मेरा है ठीक है और तुम मेरा ही है फाड़ के रख लूंगी सबको यहाँ पे मैंने मुझे गेम नहीं जीतनी मुझे तुझे जीतना है और बुझो आईपीएस का एग्जाम मत ले ये आईपीएस का यस आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है इंडियन पुलिस सर्विस तुम्हारी भी नहीं तुम्हारी एक तो ताडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता टेंशन बहुत है बाहर मुझे क्या करेंगी ट्राई करूंगी रोज फोन करूंगी नहीं उठाएगा तो मर जाओ अगर प्यार होगा तो फोन कर दिया करेगा नहीं होगा तो बाहर में जा फिर L2 L3 क्या होता है बाहू को जरा बताओ यार मैंने एक रैम वॉक की थी मैंने जिसमें मैं दुल्हन बनी हुई थी है ना तो वो बहुत ज्यादा मैंने उधर डांस डूस कर दिया था जो मेरे मन में आया ना मैंने सब कर दिया फिर रैम वॉक करते हुए तो वो मैं उनका नाम नहीं लूंगी सच्ची बोलूं क्योंकि मुझे वो डिजाइनर ने बताया उनके क्लोज है मैंने डायरेक्टली ये चीज नहीं सुनी
तो उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि मजा आ गया यार, क्या एनर्जी है इस लड़की की, क्या किया उसने रैम वॉक पे, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। सना आप जिसको भी बकवास करें मुझे बहुत प्यारी लगती है। जो आप घर में गई है, हाँ जी, आपकी कौन फेवरेट है घर के अंदर? मेरे को वो अच्छी लगी जो पंजाब की कटरीना कैफ है। मतलब उसकी ना बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रहा है। एनर्जी वाकई में बहुत अच्छी है। जब से आई यहाँ पर स्टेज पर तब से लेके अभी तक के वो वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं आया उनमें। चलो हाय, ह्यूज फैन पंजाब की कटरीना। सीरियसली आपकी वॉइस मुझे बहुत पसंद है और मैं आपकी कॉपी करती हूँ। सीरियसली हाय शरस। Hi. So nice to see you. My brother-in-law is a big fan. Bahut bade fan hai aap. Yeah. Itne bade fan. Aapke bare mein baatein kar rahe the hum log. And ye bhai sahab bhi aapke bahut bade fan hai. Main to aapko pehle hi bata raha tha, main to aapko itna bada fan hu bataya hai. Aur main ek aur baat batau, 5 second ke andar main bhi aapka bahut bada fan ho gaya. Sanaz aapka bahut bada fan hai. I love you, Sanaz. Dingy. Salman. Yeah, watching. Who's your favorite? I love it, Channel. Channel. Oh. I love you. Ask Kira. किसके लिए खुशखबरी लेके आई है? कौन जीतेगा बिग बॉस? बिग बॉस का ये सीजन। सलमान भाई, मेरी चॉइस तो एकदम क्लियर है। मैं पंजाबी आदमी हूँ। पंजाब की कटरीना क्या है? बिल्कुल, आप पहले ही कह रही है, मेरी चॉइस है शहनाज की। मैं भारत का मोहम्मद कैफ और वो पंजाब की कटरीना कैफ, तो मैं भी इनको ही सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों ही पंजाब की कटरीना कैफ को सपोर्ट कर रहे हैं। अधिक भारी कॉन्ग्रेचुलेशन सब बिग बॉस बजा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे आप लोगों को टीवी में हंसाते आए हो, अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू हंसाते हो, मैं जानती हूँ कि एक रियलिटी शो में इतना पूरा हार देना, अपना एंटरटेन करना बहुत ज्यादा लोगों को हमें लगेगा नहीं देखनी। प्लीज, हम चाहते हैं कि आप एंटरटेन करो, जैसे रियल में हो वैसे ही होते रहना। एंड हाँ, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। ऑल द बेस्ट रॉजिक ब्रदर। मतलब जब वो बिग बॉस में थी ना, तो काफी लोगों से उनकी लड़ाइयाँ होती ही रहती थी, स्पेशली सिद को लेके। और लड़ाइयों में ना, मतलब गुस्से में नहीं, कुछ भी बोलती थी, और गुस्सा भी उनका इतना स्वीट होता था ना यार। खुद ही रोना शुरू हो गए, खुद ही चुप हो गए, खुद ही हंसना शुरू हो गए। सो वो चीज लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी कि मतलब वो जो भी होता था ना, मुंह पे बोल देती थी, कोई फेक नहीं थी। मतलब वो गेम खेल को ना जीतने नहीं आई थी, वो एंजॉय करने आई थी, लोगों को हंसाने आई थी। जो लोगों को उन्होंने हंसाया और बहुत सारे लोग उनके फैन लेकर गई हैं, वो साथ अपने वही ना, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिग बॉस में सबसे सस्ती वो थी और सबसे महंगी बन के वो निकली है। और नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतनी अच्छी मूवीज वो कर रही है, शो कर रही है, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मेरे ख्याल में ये पहली ऐसी जो है ना एक्टर है जिन्हें लोगों ने बिग बॉस में भी बहुत ज्यादा पसंद किया, बिग बॉस से निकल जाने के बाद भी बहुत ज्यादा पसंद किया। और मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बिग बॉस में हिट तो हो जाते हैं लेकिन बाद में शायद उनकी लाइफ नहीं होती है, या फिर वो उनका जो फेस है ना मासूम वाला, वो दूसरे लोगों में आज दिन तक देखने को नहीं मिला। सो यही वजह है कि लोग उन्हें आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
बिल्कुल जी, और पसंद करना भी चाहिए उन्हें, वो इतनी इनोसेंट सी है, मुझे सीरियसली बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो फेक कुछ नहीं ट्राई करती कि मैं कुछ बनने की कोशिश करूँ, जो उनको नहीं आता होता ना उसमें वो अपनी मस्तियाँ कर देती है और मस्तियों में वो चीज गुजारती है और उनको शेम फील नहीं होता। तो मतलब हमसे और बिग बॉस के टाइम पे बहुत ज्यादा उनके जो डायलॉग थे वो फेमस हुए थे, स्पेशली तू मेरा है तू मेरा ये वाला, और जो काफी इस पे मीम्स भी बनी थी जो कि बहुत ज्यादा मजा आया था। आज दोबारा से बिग बॉस की पुरानी यादें देख के बहुत ज्यादा मजा आया। सो आज का जो बिग बॉस है वो भी काफी अच्छा ही चल रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।